हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डी कराटी क्लासेस। और आज जो मैं आप लोगों का चैप्टर लेने जा रहा हूँ वो है सरीसृप, जिसको रेप्टाइल्स भी कहते हैं। और अगर समय मिला तो मैमल्स या स्तनपाई के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे आज मैंने जो क्लासेस कंडक्ट करी है, आज और कल 13 और 14 दिसंबर को, तो वो संबंधित मैं आप लोगों को इसमें समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है परीक्षाओं के अंदर जो सवाल आते हैं, जैसे हम एसएससी की बात करें या यूपीएससी की बात करें, तो मेरा जो मेन ध्येय रहता है इस टॉपिक को समझाने के पीछे, जैसे ये कहने को तो बायोलॉजी के हैं, लेकिन जो विद्यार्थी ने बायोलॉजी बहुत पहले छोड़ दी हो, जैसे सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, जिन्होंने 10th के बाद नहीं करा, उनकी भी समझ में आएगा। आप लोग मानसिक रूप से ये बिल्कुल ना सोचे कि हमने ये बायोलॉजी बहुत साल पहले छोड़ी थी, क्योंकि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल बड़े ही बहुत तथ्यात्मक है, उनको आसानी से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो आज टॉपिक शुरू करते हैं वो हम शुरू करते हैं सरीसृप या फिर रेप्टाइल के बारे में। तो ये रहा सरीसृप, इनके बारे में जो आपके एग्जाम्स के अंदर सवाल है विभिन्न परीक्षाओं के अंदर, वो किस प्रकार के आते हैं। जैसे साधारणतः तो हम समझते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले इनके बारे में कि ये जो जीव होते हैं ये रेंगने वाले जीव होते हैं। इनके बारे में यानी कि ये इंग्लिश के अंदर अगर हम कहेंगे तो इनको कहेंगे क्रोल करने वाले जीव, यानी कि जो रेंग कर चलते हैं। पहली तो विशेषता इनके बारे में यह होती है। दूसरी इनके बारे में होती है कि इनका हृदय जो है वो 3 कोष्ठक का होता है। इसका मतलब हो गया इनका हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड है। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे हम सभी जानते हैं ये मनुष्य का जो हृदय है वो 3 कोष्ठक का बना होता है, जिसे कहते हैं 3 चैम्बर्ड। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे इसके अंदर ऊपर की तरफ तो 2 अलिंद होते हैं, जैसे मानव का हृदय है वो 4 कोष्ठक का है, यानी कि 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और ऊपर के जो 2 बॉक्स हैं, 2 डब्बे हैं, इन्हें कहा जाता है अलिंद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिकल, और नीचे का एक बॉक्स है जिसे कहा जाता है निलय, अर्थात जिसे कहते हैं वेंट्रिकल। ये इनके हृदय की संरचना है। हालांकि इसमें एक अपवाद है, जैसे मगरमच्छ का जो हृदय है वो 4 कोष्ठक का होता है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर ये अपवाद का ध्यान रखेंगे। तो अपवाद में हमारा होगा कि मगरमच्छ का हृदय 4 कोष्ठक का होता है, 4 कोष्ठक का होता है। तो इस प्रकार से हम ये अपवाद को अवश्य ध्यान रखेंगे। ये जरूर ध्यान रखना है कि जो नियम है और जो अपवाद है वो जरूर आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट जो है अभी तक इसके बारे में करे हैं, और ये जरूर याद रखिए, एक टीचर के तौर पर मैं आपको जरूर सलाह दूंगा कि जितनी भी चीजें आप पढ़ें उनको उनको बिंदुवार याद करने का आप प्रयास अवश्य करते रहें, जैसे हमने अभी किया। तो अब मैं दोबारा रिवाइज कराऊं, क्योंकि ये मैं ही चाहता हूं, ये एक ऐसा स्मरण याद करने का तरीका है जिससे आप बेहतर महसूस करेंगे। तो हम 3 चीजों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया कि सरीसृप रेंगने वाले जीव को कहते हैं, और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने किया कि इसके अंदर जो हृदय है वो कितने कोष्ठक का है, तो वह 3 कोष्ठक का है, जिसमें 2 तो ऊपर की तरफ अलिंद होते हैं और 1 उसके अंदर नीचे की तरफ निलय होता है। अब आते हैं दूसरी विशेषताएं इनके बारे में, जैसे इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो जब हम उदाहरण की बात करते हैं तो वहां से हमारे लिए परीक्षा उपयोगी कई सारे सवाल निकल कर आएंगे। जैसे सबसे पहले हम इसके उदाहरण में लें सर्प के बारे में, यानी कि जिसे स्नेक के रूप में जाना जाता है। परीक्षाओं में किस तरीके के सवाल हमारे इससे जुड़े हुए आए, जैसे आप देखिए 2017 के अंदर जो एसएससी का एग्जाम हुआ उसके अंदर एक सवाल आया कि मान सर्प का जो सूंघने वाला अंग होता है उसे कहते हैं जैकबसन्स ऑर्गन। अब ये जैकबसन्स ऑर्गन जो है ये क्या है, जैकबसन्स ऑर्गन जो है ये वो अंग है जो इसके मुंह के अंदर प्राप्त होता है, ना केवल सर्प के अंदर वरन यह शेर, जिराफ
और पालतू पशु जैसे कि भैंस गाय जो कि आमतौर पर मनुष्य के साथ पालतू पशु के रूप में जानी जाती हैं। तो आप देखते होंगे कभी कभार कि ये ऊपर का जो होठ है जो नथुन है ये कभी कभी भैंसे जो है इनको उठाती हैं। या आप डिस्कवरी चैनल में देखिए शेर के बारे में या शेर की जो डॉक्यूमेंट्री है तो उसमें भी आप पाएंगे कि वो गंध पाने के लिए जैसे कि किसी अन्य शेर का या शेरनी का तो वो गंध पाने के लिए वो भी अपने ऊपर के होंठ को ऊपर उठाता है। अर्थात इन सब के अंदर ये सूंघने का एक अंग होता है जिसे जैकबसंस अंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो थोड़ा सा समझेंगे कि सर्प का जो सूंघने वाला अंग है इसका सूंघने वाला अंग वो कहलाता है इसकी जीभ। तो ये तो हम समझ गए। तो सर्प क्या करता है, अपनी जीभ को बाहर की ओर निकालता है और जो संवेदनाएं हैं वातावरण में उनको वो अपने मुंह में स्थित जैकोब्सन अंग तक पहुंचाता है और जैकोब्सन अंग जो है वो मस्तिष्क के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि सूंघने वाला अंग जीभ है जो मुंह में स्थित यानी कि सर्प के मुंह में स्थित जैक जैकोब्सन ऑर्गन। तो यही क्वेश्चन जो है आपके एसएससी के अंदर आया हुआ है कि जैकोब्सन ऑर्गन या अंग तक पहुंचाता है जिसको पहुंचाता है जो मस्तिष्क के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये इसके सूंघने की प्रक्रिया होती है, ये जुड़ा है। यह हो गया प्रथम। दूसरा बिंदु क्या होगा, दूसरा बिंदु आएगा सर्प के इनके संबंध में, वो आएगा कि सर्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जब हम यहां पर देखेंगे सर्प के अध्ययन के बारे में तो उसके लिए दो शब्द प्रयुक्त होते हैं। एक तो अंग्रेजी भाषा का सांप के लिए जो शब्द है वह भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सर्प को अंग्रेजी में कहते हैं स्नेक और सर्पेंट, यानी कि सर्पेंट जो है वो स्नेक का सिनोनियम है। तो उसी तरीके से दूसरा वर्ड जो आता है इसमें आता है ऑफियोलॉजी। तो अगला पॉइंट हमारे लिए क्या होगा, सर्प का अध्ययन। तो सर्प का अध्ययन ये कहलाता है सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी। और या फिर इसी को कहते हैं या इसे कहते हैं ऑफियोलॉजी। मैं दोनों जो शब्द हैं दोनों भाषाओं के अंदर मैं लिखने का बिल्कुल प्रयत्न करता हूं ताकि दोनों चीजें आप लोगों को याद होती रहे। और ऐसा भाषा का कोई भी भेद आप लोग ना माने कि अगर हिंदी में वर्ड आ रहा है और इंग्लिश में आ रहा है तो आप उसे पढ़ें या याद करें या कैसे दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। मस्तिष्क को बिल्कुल खुला रखिए, मातृभाषा हमारी हिंदी है और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी माध्यम से या इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप उनको प्रयास कीजिए दोनों ही एक दूसरे के शब्दों को समझने के लिए। तो यहाँ जैसे हम कहें सर पेंटोलॉजी या दूसरा जैसे हमने कहा या ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी, ये दोनों के दोनों ही हम लोग याद करेंगे। एक तो ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा और क्या पॉइंट आ सकता है इसके बारे में, तो इसके बारे में अगला पॉइंट आ सकता है कि इसका जो जहर होता है वह जहर क्या होता है। तो जहर सर्प का जहर या सर्प का विष एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो अगला बिंदु जो हमें ध्यान रखना है वो है सर्प विष यानी कि उसका जो स्नेक का पॉइजन है वह एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन है, प्रोटीन है। यह हम लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि ये सवाल जो है यही सवाल है जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। अगला पॉइंट जो इसके बारे में अंतिम है, हालांकि अलग-अलग बिंदु में उसको आप पढ़ेंगे लेकिन यहां पर लगे हाथ याद जरूर कर लीजिए। जैसे एक सवाल आता है कौन सा सर्प ऐसा है जो अपना घोंसला बनाता है और एक सवाल आता है कौन सा सर्प ऐसा है जो अन्य अपनी प्रजाति के सर्प को खा जाता है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कोबरा के बारे में। तो कोबरा एक ऐसा सर्प है जो कि अपनी प्रजाति के या अन्य जो सर्प प्रजाति है उनका भक्षण करता है और साथ ही वह घोंसला भी बनाता है। तो कोबरा के बारे में हमें क्या याद करना है, एक तो पॉइंट आ गया हमारा यह घोंसला बनाता है
सवाल एक ये एसएससी का हो गया। दूसरा हो गया सर्प जो है ये अन्य सर्प को खा जाता है। सरल भाषा के अंदर मैं इन शब्दों का प्रयोग इनका यूज करता हूं, जैसे खा जाता है बजाय करने के कि भक्षण करना, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, तीसरा पॉइंट हो गया यह विष को थूकता है। तो थर्ड पॉइंट जो है वो हम कर सकते हैं, यह विष को थूकता है, यह विष को थूकता है, को थूकता है। सरल है, बहुत आसान है, आसानी से आप लोग इन चीजों को याद रख सकते हैं। तो ये सर्प से संबंधित, यानी कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है वह कभी ना भूलिए, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को याद रखना चाहते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है उन चीजों को बेहतर रूप से स्मरण करता है जो किसी एक बिंदु के साथ जोड़कर बताए गए हो। जैसे मैं बार बार इस चीज का उल्लेख कर रहा हूं कि यह जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वह सरीसृप का है, तो ये जरूर आप लोगों को ध्यान रखना। अगला पॉइंट जो है इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट है, और क्लासेस के अंदर बच्चे भी मुझसे अलग अलग ये इसके बारे में पूछते रहते हैं। तो ये आएगा कि गिरगिट के बारे में, यानी कि सरीसृप का दूसरा एग्जाम्पल परीक्षा उपयोगी जो है वह है गिरगिट। गिरगिट या जिसे कैमलियन भी कहते हैं उसके बारे में क्या क्वेश्चन है? तो कैमलियन या गिरगिट के बारे में एक तो बड़ा साधारण सा सवाल मस्तिष्क में आता है जो परीक्षा उपयोगी भी है, कि ये जो ये गिरगिट जो है अपना रंग कैसे बदलती है, तो गिरगिट के रंग बदलने के पीछे जो है वो क्या कारण है। तो इसके बारे में कई तरीके की भ्रांतियां हैं और सत्यता यह है परंतु कि जैसे कि जुगनू के अंदर एक वर्णक पाया जाता है या पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक या पिगमेंट क्या होता है इसे आप साधारण तुलना करके देखिए एक पेंट के डब्बे से। तो जिस प्रकार से एक पेंट के डब्बा होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के पेंट होते हैं, ऐसे ही इसके अंदर एक वर्णक होता है क्रोमेटाफोरस। क्रोमेटाफोरस जो है ये गिरगिट में पाए जाने वाला एक पिगमेंट या वर्णक है, और अपने मूड को दर्शाने के लिए गिरगिट जो है उस वर्णक का इस्तेमाल करके अलग अलग रंग उत्पन्न करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, रंग बदलने का कारण क्या है, रंग बदलने का कारण स्वभाव में, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं स्वभाव या मूड में परिवर्तन, में परिवर्तन दर्शाने के लिए, परिवर्तन दर्शाने के लिए रंग बदलता है। तो एक तो हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि ये रंग किस लिए बदलता है। ज्यादातर हम समझते हैं परिवेश में ढालने के लिए, जैसे हरी डाल पर जाने पर या फिर भूरे रंग के किसी तने पर जाने पर रंग बदलता है। उसके अंदर सच्चाई ये है कि वह स्वभाव में परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन का तात्पर्य हुआ अगर उसे कोई खतरा महसूस होता है तो अपने दूसरे विरोधी को या अपने दुश्मन को चेतावनी देने के लिए वह रंग उत्पन्न करेगा, या फिर ऐसा भाव उत्पन्न हो जैसे प्रेम का भाव उत्पन्न हो तो उसे उत्पन्न करने के लिए वो अलग रंग पर रंग उत्पन्न करेगा। तो वर्णक या पिगमेंट कौन सा है, वर्णक या पिगमेंट, आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं आएगी, हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों तरीके के आप इस मेरे इसके अंदर लेक्चर के अंदर समझ सकते हैं। तो वर्णक या पिगमेंट होता है कौन सा, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्रोमेटाफोर्स, हिंदी में हम इसको ऐसे लिखेंगे क्रोमेटाफोरस, बिल्कुल समझ में आया होगा। बड़ा सरल सा ये हमारा टॉपिक था जिसके अंदर जैसे क्रोमेटाफोरस है, अगर किसी विद्यार्थी को हिंदी में अभी दिखाई ना दिया हो इसमें जो रिकॉर्डिंग के वक्त, तो मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ क्रोमेटाफोरस, ये रहा। तो इस प्रकार से ये वर्णक के कारण ये रंग बदलता है। तो इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट्स हैं वो और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे अध्ययन के बारे में है, तो एक अध्ययन इनके बारे में और क्वेश्चन आ जाता है
कि सरीसृप के अध्ययन को, छिपकली के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर दो पॉइंट आखिर के अंदर इस सरीसृप के मैं आपको बता देता हूं। जैसे हर्पेटोलॉजी इसे क्या कहते हैं, यह होता है सरीसृप का अध्ययन, सरीसृप का अध्ययन। इसका मतलब हो गया स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। और लास्ट है कि सौरोलॉजी कहते हैं छिपकलियों के अध्ययन को, सौरोलॉजी, और इंग्लिश में SAUROLOGY, इसे कहते हैं स्टडी ऑफ लिजर्ड्स या फिर छिपकलियों का अध्ययन। उम्मीद है विद्यार्थियों, आज जितना पॉइंट स्टूडेंट जितने मैंने आपको आज आपको कराए हैं बिल्कुल परीक्षा उपयोगी हैं। और आप लोग मेरी किताब अवश्य खरीदिए, जो कि अभी 17 दिसंबर को छठे एडिशन के रूप में लॉन्च होने वाली है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि उसके अंदर मैंने जो आप लोगों के साथ प्रतिदिन पढ़ाने का अनुभव प्राप्त है मुझे, उस अनुभव के आधार पर, क्योंकि विद्यार्थी अलग अलग क्वेश्चन पेपरों को लेकर मेरे पास आते हैं, तो उस हिसाब से मैंने वह पुस्तक तैयार करी है। और उन विद्यार्थियों के लिए तो खास तौर से ये वीडियो लाभकारी होंगे, वो अपनी किताब लेकर बैठ जाए मेरे सामने, जब मैं आपको वीडियो लेक्चर दूंगा तो आपको एक एक पॉइंट जो है क्लियर होता हुआ चलेगा। तो जो बच्चे भिलाई में है, झारखंड में है या ओडिशा के अंदर है, ऐसे विद्यार्थियों के, क्योंकि मेरे पास मेल आते हैं, फोन आते हैं, तो वो कई चीजें मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वो अपने क्लास में जो अपनी बुक लेकर बैठेंगे और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो उनको पूरी किताब ऐसे पूरी होती हुई चलेगी जैसे कि कोई टीचर उनके सामने खड़ा होकर उन्हें समझा रहा है। तो इस प्रकार से आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा प्रभु से भी ये धन्यवाद है कि उसने मुझे मौका दिया कि आप लोगों को मैं कुछ ज्ञान दर्शन दे सकूं। तो इसके लिए आप लोगों का और ऊपर वाले का धन्यवाद और गुड नाइट। उसके बाद अगले वीडियो के अंदर मैं, आज अगर मौका लगा तो मैं आपको स्तनपाई और मैमल्स के बारे में फिर पढ़ाऊंगा, अन्यथा इस पूरी पुस्तक को मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत अवश्य करूंगा। धन्यवाद।